नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीवा स्टडी पर। तो जो रीट का एग्ज़ाम होने वाला है 2 अगस्त को 2020 को, तो उसमें लगभग 31,000 वैकेंसी आई है। तो अभी क्या है कि उसका सिलेबस जो अपडेट होगा, लेकिन अभी पता नहीं है कि क्या सिलेबस आने वाला है। फिर जो एक दूसरा क्वेश्चन हो रहा है वो हो रहा है कि क्या अब 2 पेपर होंगे, ठीक है। तो अभी ये भी प्रयास लगाए जा रहे हैं कि रीट के 2 पेपर हो सकते हैं। तो अगर 2 पेपर हुए तो क्या सिलेबस रहेगा, इसका हम भी अभी अनुमान लगा नहीं सकते, ठीक है। इस बार भी अखबार में आया था, पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था कि जो राजस्थान जीके का पार्ट है वो बढ़ सकता है। तो अगर 2 एग्ज़ाम होने के इस बार चांस है रीट के, ठीक है। और ये एग्ज़ाम क्या है कि उसी दिन होगा जिस दिन जो रीट का जो पहला एग्ज़ाम होगा उसी दिन दूसरा एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अब कैसा सिलेबस रहेगा दोनों पेपर का वो अभी पता नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि एक राजस्थान जीके का अलग से एग्ज़ाम हो और फिर दूसरा एग्ज़ाम सब्जेक्ट का और जो भी पहले आता था उनका हो। तो अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी बात चल रही है कि 2 एग्ज़ाम हो सकते हैं। जो 2 दिन पहले डॉट सराजी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनकी और राजस्थान बोर्ड की इस पर बात हुई थी, तो इससे नतीजा अभी क्या निकला वो पता नहीं, लेकिन इस बार पूरी संभावना है कि रीट के एग्ज़ाम 2 कर दिए जाएंगे, ठीक है, लेवल 2 के, जिसमें पहले क्या क्या सिलेबस रहने वाला है ये अभी बता नहीं सकते हैं। लेकिन ऐसे अनुमान है कि राजस्थान जीके का अलग से भी पेपर हो सकता है और मिक्स में भी अलग अलग सिलेबस हो सकता है और दोनों पेपर एक ही दिन होंगे, ठीक है। दोनों एग्ज़ाम एक ही दिन होंगे, एक जैसे मॉर्निंग शिफ्ट में एक दूसरा इवनिंग शिफ्ट में, वैसे होने के चांस है। तो ये एक नई अपडेट आई है कि रीट में 2 पेपर हो सकते हैं, ठीक। पहले एक ही एग्ज़ाम होता था और 2 पेपर होते, अब 2 पेपर हो सकते हैं। और सिलेबस दोनों पेपरों का क्या रहने वाला अलग अलग वो अभी कन्फर्म नहीं है। और राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ेगा ये कन्फर्म है। तो अब रीट में ये नई अपडेट आई है, तो बने रहे आप जीवा स्टडी के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जीवा स्टडी, धन्यवाद। तो एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, तो जो रीट के जो अभी क्या है वैसे 2-4 दिनों में जारी कर देंगे, लेकिन जो रीट है, रीट एग्ज़ाम है, उसमें न्यू पैटर्न होगा। हो सकता है कि जो वेटेज था जैसे पहले BSc और BA इनका जो वेटेज जुड़ता था वो इस बार ना जुड़े, ठीक है, नए रूल के साथ और 2 एग्ज़ाम के साथ इस बार रीट का एग्ज़ाम हो सकता है। धन्यवाद।